डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे कोर्स में तीन टाइप के डिफेक्ट्स दे रखे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है। मायोपिया के हमारे जो डिफेक्ट है इसका एक और नाम है, इसको नियर साइटनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। देखो मैंने अपनी तरफ से याद करने का तरीका बना रखा है, क्योंकि एग्जाम में तीनों में से एक डिफेक्ट आने ही आना है, हर साल आता है, और बच्चे ज्यादातर मायोपिया की चीज को हाइपरमेट्रोपिया में लिख देते हैं और हाइपरमेट्रोपिया वाली चीज को मायोपिया में लिख देते हैं। तो एक छोटी सी मैंने तरीका अपने हिसाब से बना रखा, आप उसको फॉलो कर लो तो बेटर है और याद करने को ईजी रहेगी, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे आपस में एक दूसरे की डेफिनेशन में। जैसे मायोपिया है, मायोपिया की स्टार्टिंग एम से हो रही है और नियर साइटनेस की स्टार्टिंग एन से, इसका मतलब एम एन मायोपिया नियर मतलब कि नजदीक, नियर का मतलब क्या हुआ नजदीक। इससे हम ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जो नजदीक की चीज है, जो ब्रैकेट में चीज लिखी है ये मैंने ब्रैकेट में नजदीक, नियर साइटनेस शॉर्ट साइटनेस, नजदीक की चीज हमें दिखाई देगी और जो इसके अंदर नहीं होती है वो दिखाई नहीं देगी, सबसे सिंपल याद करने का तरीका। तो इसमें मायोपिया नियर साइटनेस, एम के बाद में एन आया, नजदीकी चीज दिखाई देगी, दूर की चीज दिखाई हमें नहीं देगी, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब कि मायोपिक जो डिफेक्ट होता है उसके अंदर आदमी नजदीक की चीज को आसानी से देख पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पाता। इस केस के अंदर जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, रेटिना के पीछे। कॉज क्यों होता है, सबसे पहला कॉज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस या शॉर्ट फोकल लेंथ। सेकंड कॉज इज ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब इनको कॉज को लेते हैं। ये हमारी डिफेक्टिव आई है, जो ये डिफेक्टिव आई मैंने बना रखी है। अब इस डिफेक्टिव आई में देखो ऑब्जेक्ट हमारा इधर डिस्टेंस से आ रहा है, पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कहां पर डिस्टेंस इंफिनिटी पर, डिस्टेंस पर्टिकुलर पता नहीं है, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही पैरेलल और इमेज इसमें रेटिना के सामने बन रही है, लेकिन रेटिना पर नहीं बन रही, रेटिना के सामने बन रही, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये डिफेक्ट कैसे हुआ, रेटिना के सामने हमारी जो आई बॉल था स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। जब बच्चा जन्म लेता है बर्थ के टाइम में या कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई डिजीज आ रही है तो उसके कारण, आई की डिजीज है पीढ़ी दर पीढ़ी में, तो उसके कारण भी हमारी जो आई बॉल है इलोंगेट हो जाती है। जो आई लेंस है वो तो फोकस अपनी पॉइंट पर ही कर रहा है जहां पर करना है, लेकिन इसका साइज क्या हुआ बढ़िया, और किसके कारण बढ़ता है, नेचुरल, या तो बर्थ के टाइम पे बढ़ जाता है, बर्थ में कोई डिफेक्ट आ जाए बर्थ के टाइम में, या फिर कोई जेनेटिक्स के कारण बढ़ता है। लेकिन जो दूसरा डिफेक्ट है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर, इसका इसका डिफेक्ट क्या है, ये तो हमारी गलती से होता है, और वो हमारी गलती किस टाइप से है, जैसे हम ज्यादा अपनी आई को यूज करते हैं किसमें, टीवी देखने में, लैपटॉप का यूज करने में, मोबाइल का यूज करने में, उनके रेडिएशंस हमारी आई लेंस पे जाते हैं और हमारी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को वीक कर देते हैं, जिसके कारण हमारी आई लेंस को जहां पे चीज को फोकस करना चाहिए रेस को वहां पे फोकस नहीं करती, आगे पीछे फोकस कर देती, जिस कारण ये डिफेक्ट अराइज हो जाता है। इसलिए हमें ये जो हमारे हैं टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनका कम यूज करना चाहिए। आजकल देखा आपके जो आजकल फिलहाल जनरेशन है स्पेक्स बहुत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पेक्स लग रहे हैं बच्चों के, और इससे पहले वाले जनरेशन के आपके दादा के परदादा के उनके स्पेक्स काफी कम थे, लेकिन फिलहाल स्पेक्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, तो हमारे रेडिएशन आई पर पड़ते हैं, रेडिएशन कारण उनकी जो आई लेंस है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जब कमजोर होगी तो प्रॉपर टाइम में वो फोकस नहीं कर पाता, हो जाता है। अब इसकी करेक्शन कैसे की जाती है, करेक्शन करने के लिए इस करेक्टेड बाय कंकेव लेंस, कंकेव लेंस में करेक्ट कैसे करेंगे, देखो जो कंकेव लेंस है वो हमारी कैसी है, किस टाइप की, उसका दूसरा नाम क्या, कंकेव डाइवर्जिंग लेंस है। कंकेव लेंस आपकी ऐसी होती है, हमने पहले पढ़ रखा है पहले वाले चैप्टर में, और जो लाइट रेस इसकी पैरेलल आ रही है ये क्या करती है, इसको डाइवर्ज कर देती है, ये डाइवर्ज कर दिया लाइट रे को, तो कंकेव लेंस की स्पेक्स हमने लगा ली, क्या लगाए, कंकेव लेंस के स्पेक्स, कंकेव लेंस की चश्मे लगा लिए, इस को दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। जब कंकेव लेंस के हम स्पेक्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की ये लाइट रेस हमारे पास में आ रही है और यहां पर आकर ये क्या हो जाती, डाइवर्ज, जो जितना एरिया ये इतना था जहां पर इमेज नहीं बन रही थी रेटिना पर, इतना एक गैप बन रहा था,
तो डाइवर्ट होके ये आपकी ऐसे फैल जाएगी और इस एरिया को कवर कर लेगी और रेटिना पर आकर आपका ये फोकस होगा और यहाँ पे आपकी इमेज क्लियर ऑब्जेक्ट की बनके तैयार हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कॉनकेव लेंस वी कैन रिमूव दिस डिफेक्ट बाय यूजिंग द स्पेक्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, दिस फर्स्ट डिफेक्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर टेकिंग वन न्यूमेरिकल ऑन मायोपिया। मायोपिया में न्यूमेरिकल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ जाते हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल पार्ट भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जैसे आपका द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मायोपिक जो पर्सन उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर दे रखा है इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट। आपकी पावर लेंस की क्या होगी और लेंस का नेचर क्या होगा, वो चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो मायोपिया जो होती है डिफेक्ट, अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमें नियर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था लेकिन फार डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता था। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी, उस पर इंफिनिटी पर, तो इस केस में u = इंफिनिटी आ गया u। और इमेज की पोजीशन कहां दे रखी है इसमें, -80 सेंटीमीटर। f निकालना है, लेंस का फार्मूला हमें पता है 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = -1/80 -1/infinity, 1/infinity वैल्यू 0 होती है, यहां तो हमने वैल्यू 0 पुट कर दी, -1/80 f = -80 सेंटीमीटर आ गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीजें डिनोमिनेटर में थी रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में हमने पहुंचा दी। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में पावर निकालनी है, इसकी क्या निकालनी, पावर। अब पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, हमने पहले पढ़ लिया है। जो डायोप्टर यूनिट होती है, डायोप्टर यूनिट को हम कब लेते हैं, जब फोकल लेंथ उसी किसमें हो, मीटर में हो। तो फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में निकली है, इसको हमें सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80/100 इसको हम डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारी किस में आ गई, मीटर में आ गई, -0.8 मीटर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर, फोकल लेंथ किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। p -1/08, p -10/8, इसको सॉल्व कर देंगे हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, -1.25 डायोप्टर आएगी। न्यूमेरिकल आपके इसी टाइप के आएंगे, इस हिंट को बस ध्यान रखना, उसमें u आपको इनफिनिटी पे लेनी है और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपका v होगा, 80 दे रखा होगा, और जो चीज उसमें फाइंड आउट करनी है आप आसानी से इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान दो, एक कभी न्यूमेरिकल ऐसे भी आ जाते हैं जिसके अंदर उल्टी चीज फाइंड आउट करवा लेते हैं, उसके अंदर पावर दे रखी होती है, पावर दे रखी होती है और उसके अंदर आपको हिंट निकाल के पावर निकालनी है, माइनस प्लस में ये पावर आपकी उसकी मायोपिया की दे रखी है, कनकेव की दे रखी है, कन्वेक्स लेंस की दे रखी है, उसके बाद में पावर निकाल के यू हैव टू देन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। इसको उल्टा करा देते हैं, हम यहां से आए किस किस न्यू करेंगे, नीचे से ऊपर चलवा देते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपका पावर दिया होगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन और जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, पावर दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर और आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। तो आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट दे रखे होंगे, उसमें सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट डिफेक्ट वी आर टेकिंग हाइपरमेट्रोपिया। देखो जैसे मैंने आपको हिंट मायोपिया की दी थी, उसी हिसाब से मैं हाइपरमेट्रोपिया की देता हूं। एच लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब दूर, जो चीज ब्रैकेट में है उसको हम क्लियर देख पाएंगे, जो चीज नहीं है ब्रैकेट में उसको क्लियर देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसमें हमें दूर का ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और याद करने का तरीका भी सिंपल सा है। एच का मतलब हाई, एल का मतलब लॉन्ग, जो चीज यहां पे लिखी है वो हमें दिखाई देगी और जो चीज नहीं है वो हमें दिखाई नहीं देगी। इस केस में इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द रेटिना। सेम जो डिफेक्ट होते हैं कॉज इसके अराइज, इसी कारण होते हैं, या तो इसकी आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट किस कारण होती है, या तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम के कारण होती है या बर्थ के टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बर्थ पर इसकी शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट के कारण इमेज इसकी पीछे चली जाती है। लेकिन जो इसका ये है कन्वर्जिंग वाला, आई लेंस वाला, ये किसकी वजह से आती है कमी, ये हम लोग की वजह से आ जाती है। इसमें पहले डिस्कस किया था, हम ज्यादा टीवी देखें, मोबाइल यूज करें, ऐसे काम करें जिसमें आंख में हमारा रेडिएशन ज्यादा पड़े, और ज्यादा रेडिएशन से फिर हमारी जो आंख की फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वीक हो जाती है, वीक होने के कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती। इसकी अब लेते हैं हम नेक्स्ट हम करेक्शन पर। करेक्शन क्या है इसकी, करेक्शन इसको हम करेक्ट करते हैं स्पेक्स,
किसका लगाकर? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस की स्पेक्स लगा के इसको हम सही कर सकते हैं। वो किस टाइप से सही कर सकते हैं? जिस करेक्टिव आई दे रखी है। कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है? कन्वर्ज करना लाइट रेस को। जो लाइट रेस हमारा इतना डिस्टेंस कर रही थी, अगर ये यहाँ पे फोकस कर दे, आगे इसके फोकस कर दे, तो इमेज इसके रेटिना पर ही बन जाएगी। और ये किसके कारण हुआ? कन्वर्ज के कारण। तो इसमें हम कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या करती है? लाइट रेस को कन्वर्ज कर देती है। और ये यहाँ से इसने कन्वर्ज करना स्टार्ट कर दिया। जो इतना गैप इसका एक्स्ट्रा निकल रहा था, वो इसने रेटिना पर ही लेकर आ गई, जिस कारण इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म होगी? रेटिना पर फॉर्म होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से इस डिफेक्ट को हम रिमूव आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द वन न्यूमेरिकल ऑन हाइपरमेट्रोपिया। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हमें पता है नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई का, एडल्ट का। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस निकालनी है, कहने का मतलब ये है। अब इसमें देखो यू कितना दे रखा है हमारा? -25। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया की क्या डेफिनेशन थी? अभी हमने डेफिनेशन पहले उसकी डिस्कस कर ली है। यू उसके अंदर आपका -25 सेंटीमीटर है। उसमें हम दूर की चीज को, दूर सॉरी फार ऑब्जेक्ट को हम क्लियर रूपी, उसमें हम दूर की चीज को देख पाते थे, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट था उसको नहीं देख पाते थे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नियर था, इसलिए हमने -25 ले लिया। और वी हमारे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 मीटर दे रखा है। माइनस भी आएगा भी ये। तो इसको मीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। हमें एफ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? इसका 1/v - 1/u = 1/f। इनकी सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास में इतना आ गया यहां पर -1/100 + 1/25। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, -1 + 4/100, 1/f = 3/100 आ गया। अब देखो यहां पे, अब मैंने इसको क्या किया, ये हमारे पास में डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, ये हमारे किस में आना चाहिए? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब लाएंगे तो ये चीज आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। और ये क्वांटिटी किस में है? हमारी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे करके इसको ले देंगे 33.3। जब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे 33.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ हमारी किस में आनी चाहिए? मीटर में आनी चाहिए। तो मीटर में लाने के लिए फोकल लेंथ को जब हम इस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, f = 33.3/100, तो अब हमारे पास में ये क्वांटिटी मीटर में आ चुकी है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर। p = ये वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट रिमूव कर दिया, ऊपर 100 आ गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 3.0 डायमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स करके आप इसको आगे और भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसको जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता जाता है, ओल्ड एज की स्टेज में आता है, तो उसका जो नजदीक की चीज है उसको वो क्लियर देख नहीं पाता और दूर की चीज को देख पाता है, यही आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इसके अंदर जो अकोमोडेशन होती है पावर ऑफ लेंस की, वो लूज होने लगती है, लॉस होने लगती है, उसके कारण में देख नहीं पाता। और भी उसकी एज बढ़ जाती है तो नजदीक और दूर की चीजों को दोनों को नहीं देख पाता है क्लियरली। लेकिन इसकी जो करेक्शन होती है, कॉज किस कारण से होता है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल, जो हमारी सीलरी मसल से ये वीक हो जाती है, इस कारण होता है। और जो आई लेंस है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं तो उसमें हम नजदीक की चीज को क्लियर देख नहीं पाते, लेकिन दूर की चीज को हम क्लियर देख पाते हैं। तो उसके लिए करेक्शन हम किस लेंस से करते हैं? कन्वेक्स लेंस से। तो इसको प्रेसबायोपिया को हम करेक्ट कन्वेक्स लेंस से किया जाता है। लेकिन बहुत से केसों में ज्यादातर ऐसा भी हो जाता है, आदमी की एज और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें ना तो नजदीक की चीज देख पाता है ना ही दूर की चीज देख पाता है। तो उस केस में उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया दोनों चीज डिफेक्ट हो जाते हैं। और जब दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, ऐसे में वो पर्सन आप बाईफोकल लेंस का यूज करता है। तो बाईफोकल लेंस के अंदर स्पेक्स में दोनों टाइप के इसको लग जाते हैं। स्पेक्स में लेंस ऊपर वाले पार्ट में कंकेव होता है, नीचे वाले पार्ट में उसका कन्वेक्स होना है। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखना, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली देते हैं बाईफोकल। चलो वो आंसर सही माना जाता है, उसे सही भी कर देते हैं। तरीका तो ये, जैसे ही वो स्टेप करता है ओल्ड एज में, सबसे पहले उसको नजदीक की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती, सबसे पहले ये डिफेक्ट स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद में एज और ज्यादा उसकी बढ़ती चली जाती है, फिर उसको जरूरी नहीं है हो, दूसरा डिफेक्ट भी हो सकता है। जब दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में, ओल्ड एज की कंडीशंस में हम प्रेस मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो आपको यंग एज में भी हो जाते हैं, आपकी चाइल्डहुड में भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये आपका प्रेस मायोपिया आपका ओल्ड एज में ही स्टार्ट होता है, और जब इसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं तो उस केस में कंकेव और कन्वेक्स कहलाते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर प्रेस मायोपिया में मैंने लिखा है जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एक में इलोंगेशन हो जाती है आई बॉल, एक में आई बॉल आपकी शॉर्ट हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक आंख के अंदर ये दोनों चीज हमारी साइमल्टेनियसली होती रहे, एक आई के अंदर ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। एक में एक डिफेक्ट हो जाता है, एक में दूसरा डिफेक्ट हो जाता है, इस वजह से वो चश्मे उसी स्पार्क्स के हम स्पेक्स में यूज कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक में ही अब मायोपिया हो गया, थोड़ी देर बाद उसमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, अब आई बॉल हमारी छोटी होगी फिर आई बॉल हमारी बड़ी हो जाती है, तो ऐसा इसमें इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा प्रेस मायोपिया इफेक्ट है, इसका दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं। एक आपका लास्ट है क्या, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होती है, आपकी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण हमारी जो आई लेंस है वो आपकी धीरे धीरे क्लाउडी बन जाती है। क्लाउडी का मतलब जैसे ये आई लेंस है, इस पर एक मेम्ब्रेन सी डिपॉजिट हो जाती है इस आई लेंस में, और इस मेम्ब्रेन डिपॉजिट होने के कारण फिर हमें हर ऑब्जेक्ट आपका ब्लर्ड धुंधला दिखाई देता है। दो दो इमेज दिखाई देंगी या धुंधला दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, उसी को हम ब्लर्ड कहते हैं। इसका कारण क्या है, अभी हमने बता दिया, वो आई लेंस आपकी क्लाउडी बन जाएगी, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन डिपॉजिट हो जाती है। जैसे आई लेंस थी मैं डॉट करके बना रखा है, इसमें हल्की सी मेम्ब्रेन सी डिपॉजिट हो जाती है, जैसे अनियन के ऊपर उस प्याज की जो झिल्ली होती है, अनियन पील होती है, वो डिपॉजिट होती है, ऐसे सेम इसमें डिपॉजिट हो जाती है, जिस कारण ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख नहीं पाते, उसकी दो दो इमेज या धुंधली इमेज दिखाई देती है। इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, इसका एक ही करेक्शन है, इसको हम सर्जरी से द्वारा कर देते हैं, ऑपरेशन करके इस लेंस को हटाकर नया लेंस सीरिया पर रिप्लेस कर देते हैं और हमारी कैटरेक्ट रिमूव हो जाती है, कैटरेक्ट की डिजीज हमारी फिर खत्म हो जाती है।